एक तरह से तमाचा मारा संबित पात्रा के मुंह पर, वो दलीलें देकर के जिन दलीलों के सामने पात्रा के पास कोई जवाब नहीं था। और इसलिए सास बहू की बक लगा के घूम रही संबित जी, तब आप हल्ला नहीं मचाते थे जब ये खबरें आती थी। आप सरकार है, आज सरकार की साख का सवाल है। ऐसे में जांच के मतलब, ये तो किसी से भी आप पूछिएगा तो कोई भी कहेगा कि जांच होना, जांच से भागना ही शक पैदा कर रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। दोस्तों हमारा ये जो खास एक वीडियो ब्लॉग होता है वो केंद्रित होता है मीडिया में चल रही डिबेटों को लेकर के, कि मीडिया में डिबेटों में क्या बताया जा रहा है और उस पर हम अपना एक विश्लेषण डालते हैं। रोजाना ये आता है, रोजाना आप इसका बेसब्री के साथ इंतजार करते हैं। अब तक के सफर में आपका साथ मिला उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगा। मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में आजाद हिंद आवाज न्यूज़ के लिए। दोस्तों आज बात करेंगे अंजना ओम कश्यप के एक शो है जिसकी टीआरपी काफी हाई है, जिसका नाम है हल्ला बोल। इस हल्ला बोल में आज गौरव बल्लभ और संबित पात्रा का सामना हो गया और अंजना ओम कश्यप भी इस डिबेट में मौजूद थी। विषय था पेगासस के ऊपर चल रहे, पेगासस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का जो आज दिया गया, जो टिप्पणी आज की गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के द्वारा क्या कहा गया और किस तरह से टीवी मीडिया ने दिखाया और किस तरह से सरकार ने बोलना शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जज ने यह कहा कि जो याचिकाकर्ता है उनकी तैयारी पूरी नहीं है, होमवर्क करके आना चाहिए था। उन्होंने काफी सारी चीजों को सामने रखा जिसको लेकर के गोदी मीडिया भी ये बात करने लगा, विपक्ष की नीयत पर सवाल उठाने लगा। विपक्ष की नीयत पर सवाल इसलिए भी उठना लाजिम था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि बिना आधार के केवल अखबारों की खबरों के आधार पर तथ्य नहीं मान सकते, लेकिन सवाल उठता है कि अगर जांच तथ्यों के लिए हो रही हो, तथ्य प्राप्त करने के लिए हो रही हो, तो फिर उस जांच के लिए तथ्यों की क्या जरूरत है? फिर जांच की जरूरत क्या है? सीधे मुकदमा दर्ज होना चाहिए। यही बात ज्योति गौरव बल्लभ ने कही कि साहब जांच जो है जब फ्रांस में चल रही है और देशों में चल रही है तो फिर हमारे यहाँ जांच क्यों नहीं हो सकती? इस पर सरकमस्टांशियल एविडेंस लेकर के, संज्ञान लेकर के सुप्रीम कोर्ट को खुद आदेश करना चाहिए था। शायद ये थोड़ी सी चूक थी। अगर याचिकाकर्ता फ्रांस में जो केस चल रहा है या और देशों में केस चल रहा है उनकी अगर एक एक कॉपी सबूत के तौर पर अगर सबमिट कर देते तो ज़्यादा बेहतर होता। खैर कोर्ट ने जो है कल की डेट फिर दी है, यानी कि मंगलवार की डेट फिर दी है, इसलिए सरकार को ज्यादा खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। इसी डिबेट का विषय था हल्ला बोल में अंजना ओम कश्यप के साथ संबित पात्रा और गौरव बल्लभ का। गौरव बल्लभ ने अपनी तरफ से यही वो जो एविडेंस थे, जो तीन बातें थी अपनी तरफ से कही अंजना ओम कश्यप के लिए, और जवाब में संबित पात्रा ने फिर अपशब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने ये कहा कि जो सबूत है वो सोनिया गांधी जी के घर में के अंडे दे रहे हैं। इस तरह की अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज एक कुसंस्कारी परिवार के लोगों को ही मतलब जो है शोभा देती है और कुसंस्कारी पार्टी के कुसंस्कारों को ही मतलब सुसज्जित करती है, जिनके प्रधानमंत्री भी औरतों के प्रति कुछ ज़्यादा खास सम्मान नहीं रखते। इसी बहस में आगे बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसको सुनकर के संबित पात्रा जो थे मतलब शर्मा गए, झेप गए, बुरी तरह से उनके गाल जो थे लाल पड़ गए और शर्मिंदगी से उन्होंने आंखें झुका ली। आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी गाय बेगाय संसद ना चलने देने को लेकर के कांग्रेस पार्टी पर निशाना लगाते रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के विरोध को, विपक्ष के विरोध को देशद्रोह बताने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा से करते रहे हैं। अगर सवाल महंगाई पर पूछा जाता है तब भी सरकार ये कहती है और कहने से बात नहीं आती कि ये तो देशद्रोह है। अगर जनता के सवाल उठाना और सरकार से सवाल पूछना देशद्रोह है तो फिर विपक्ष को काले पानी में भेज दिया जाना चाहिए। और सरकार जहां बात करती है कि सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया और पेगासस किसी ने नहीं खरीदा, तो पेगासस के खिलाफ जो खबरें विदेशी मीडिया में छपी हैं उसके खिलाफ अभी तक सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की? कुल मिला के कुछ ऐसी ही बातें विपक्ष के नेताओं के द्वारा कही जा रही हैं और आम आदमी भी यही सोच रहा है जो मैंने सवाल आपके बीच उठाया। अब जहां तक बात है संबित पात्रा जैसे प्रवक्ताओं की, उनकी आप नॉलेज भी जानते हैं और उनका ज्ञान भी आप जानते हैं, उनको किस तरह से जोकर और मस्खरा कहा जाता है ये भी आप जानते हैं, किस तरह से वो जब जवाब नहीं होता तो नौटंकी करने लगते हैं ये भी आप जानते हैं। मैं बात कर रहा था संसद की, कि संसद नहीं चलने देने का आरोप जो है कांग्रेस पर लगाया जाता है बार बार ये दलीलें देकर के कि कांग्रेस जो है देश का पैसा नुकसान कर रही है, इनकम टैक्स के पैसा नुकसान हो रहा है, संसद का जो खर्चा होता है उसका नुकसान हो रहा है। लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी थी जब विपक्ष में थी और 2014 में थी तब यही ड्रामेबाजी करती थी। तब
अरुण जेटली और सुषमा स्वराज बड़ी बड़ी संसदीय प्रणाली और विपक्ष के अधिकार की बात किया करते थे। आज ऐसा ही कुछ संबित पात्रा को गौरव बल्लभ ने आईना दिखा दिया। गौरव बल्लभ ने संबित पात्रा को आईना कैसे दिखाया, आइए एक नजर इस पर डाल लीजिए। पार्लियामेंट क्यों नहीं चलने दे रहे अंजना जी? स्वर्गीय सुषमा जी का एक स्टेटमेंट कोट कर रहा हूँ, सदन चलाना सरकार का काम है, विपक्ष का नहीं। माननीय स्वर्गीय सुषमा स्वराज, ये उनका कथन है। अरुण जेटली जी का स्टेटमेंट आपको कोट करता हूँ अंजना जी, डिसरप्शन इन द पार्लियामेंट इज ए राइट, ये विपक्ष का अधिकार है। हम आपको याद नहीं अंजना जी, 2010 में विंटर सेशन पूरा वॉश आउट कर दिया था, एक डिबेट नहीं करा पाए थे। मॉनसून सेशन पूरा वॉश आउट कर दिया था, एक डिबेट नहीं करा पाए थे। हम तो इनकी बातों पे डिस्कशन भी कर रहे थे, पर ये बोले नहीं हमें तो डिस्कशन करना ही नहीं, हमें तो डिसरप्शन करना है, हमें तो पार्लियामेंट रोकनी है। अरे हम तो डिसरप्शन चाहते ही नहीं है, हम तो आपके साथ मिलके ये पता लगाना चाहते हैं कि वो कौन गद्दार है, वो कौन जासूस है, वो कौन चोर है जिनके कहने पर देश के इतने बड़े बड़े गणमान्य लोगों की जासूसी हुई। हम ये पता लगाना चाहते हैं किसकी अप्रूवल से ऐसा हुआ, और बिना अप्रूवल के हुआ तो विदेश की कौन सी संस्था को आपने ओके किया, उसका जवाब दीजिए। आप ना तो विपक्ष को मानते हो, ना डेमोक्रेसी को मानते हो, ना अपने अलायंस पार्टनर्स को मानते हो, ना अपने खुद के वरिष्ठ लोगों को मानते हो। मैं आपको बोलता हूँ पात्रा जी, अभी समय मिले तो शाम को मार्गदर्शक मंडल के पास जाना, वो बता देंगे आप। चलिए चलिए, कौन कौन लुटेरे हैं, वो कौन जासूस है जिन्होंने देश के गणमान्य लोगों की जासूसी करी, और बार बार कहते हो FIR क्यों नहीं। अरे संबित पात्रा जी, FIR भी लॉन्च होगी और जेल भी जाना पड़ेगा उन चोरों को, जेल भी जाना पड़ेगा। FIR लॉन्च हुई थी ना, सवाल दो, कोरोना हो गया था संबित, सवाल दो है, FIR भी लॉन्च होगी। ये दोस्तों आपने देख लिया होगा कि किस तरह से गौरव बल्लभ ने सीधे सीधे बताया कि किस तरह से सुषमा स्वराज विपक्ष का अधिकार बताती थी, अरुण जेटली भी उस टाइम विपक्ष का अधिकार बताते थे। तब एक ही तरह की चीजों के लिए, जबकि विपक्ष में 2014 में पूरा एक सत्र जो है बीत गया हो बिना सवालों के, बिना डिबेट के, बिना जवाबों के, बिना बिल पास हुए, तो आज भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से विपक्ष और कांग्रेस पर यह आरोप लगाती है कि सेशन नहीं चलने दिया जा रहा। लेकिन तब सेशन छोटी छोटी बातों पर जो था बाधित कर दिया जाता था, लेकिन आज जो है मुख्य मुद्दा इस बात का है पेगासस को लेकर, पेगासस जैसे एक सेंसिटिव मुद्दे को लेकर जिस पर जो है सरकार जवाब देने को तैयार नहीं है। समित पात्रा को भेजा जाता है तो ये कह के भेजा जाता है कि तुम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो ना कि सरकार के, तो फिर सरकार के प्रवक्ता किस खोल में मुंह छुपा करके बैठे हैं, कौन सी कैंचुली पहन करके कहां बैठे हैं? कम से कम सरकार को निकल करके सामने आकर के जवाब तो देना चाहिए, या सरकार की कोई जवाबदेही देश की जनता के लिए नहीं, या जनता के उन टैक्स पेयर्स के लिए कोई जवाबदेही सरकार की नहीं है जो लोग देश के बड़े सरकारी लोगों को तनख्वाह दे पाते हैं अपने टैक्स के द्वारा? क्या उनके प्रति कोई जिम्मेदारी इस देश की सरकारों की नहीं है, टैक्स पेयर्स के प्रति जिम्मेदारी नहीं है? या जो इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं गरीब मजदूर कुली से लेकर के हर आदमी, क्या उनके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है? शायद सरकार अपनी जिम्मेदारी से दूर भागना चाहती है। सरकार अभी तक अपनी जिम्मेदारी से ही दूर भागी है। ये दुर्भाग्य है देश का, और ये दुर्भाग्य माना जाएगा देश का कि पत्रकार भी रीढ़ विहीन हो गए हैं। जिन पत्रकारों को सरकार के मंत्रियों को लाकर के डिबेट में बैठाना चाहिए, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को लाकर के बिठाते हैं। एक जमाना वो था कि सरकार के मंत्री मीडिया के सवालों के घेरे में होते थे और डिबेट्स में भाग लेते थे। लगता है जिस तरह से कायरता का एक उदाहरण प्रस्तुत किया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने 56 इंची होने के बावजूद, उसी तरह से सरकार भी अपने कायर होने का एक सबूत दे रही है। पेगासस का मुद्दा हो या विपक्ष के उस विरोध का जो महंगाई के ऊपर चल रहा है उसको लेकर भी पीछे हटती हुई नजर आती है सरकार। चाहे दिल्ली में एक कांड हुआ हो, निर्भया कांड पर तब प्रधानमंत्री जी खूब बोला करते थे, विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज खूब फोटोशूट कराया करती थी, तब तो शायद ये नहीं कहा जाता था कि रेप पर राजनीति होती है। लेकिन यहाँ जब विपक्ष पीड़ित व्यक्ति के साथ खड़ा होना भी चाहता है तब ये कहा जाता है सरकार के द्वारा, सरकार के मंत्रियों के द्वारा, कि साहब विपक्ष जो है गुमराह कर रहा है, विदेशी शक्तियों का हाथ है। पता नहीं कौन सी विदेशी शक्ति आ गई है भारत के इतने सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्री के होते हुए जो विदेशी शक्तियां बार बार अंदर घुसाती हैं और प्रधानमंत्री जो है खड़े खड़े ताकते रह जाते हैं। अगर इतने निर्बल प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री जी को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। मन की बात में उन्होंने विचार मांगे थे 15 अगस्त में कि मैं क्या बोलूं,
काफी लोगों का रिएक्शन ये था कि प्रधानमंत्री जी आप बस एक घोषणा कर दीजिए कि मैं अब इस्तीफा दे रहा हूं, मैं थक चुका हूं। दोस्तों कैसा लगा ये मेरा वीडियो ब्लॉग, इस पर अपने विचार देना मत भूलिएगा। लेकिन इतनी बात तो तय है कि गौरव बल्लम ने एक तरह से तमाचा मारा समित पात्रा के मुंह पर, वो दलीलें देकर के जिन दलीलों के सामने पात्रा के पास कोई जवाब नहीं था। और इसी तरह का जवाब दिया जाना चाहिए इन प्रवक्ताओं को, इनको आईना दिखाया जाना चाहिए भूतकाल का, भूतकाल के वो भाषण भी सुनाए जाने चाहिए जो प्रधानमंत्री मोदी कभी 2014 के चुनावों में दिया करते थे। थैंक यू दोस्तों।